रिव्यू देने लगी हूँ हेयर ड्रायर का, क्योंकि हेयर ड्रायर्स का समझ भी नहीं आता कि बंदा करे क्या, क्योंकि वो करते हैं बालों को डैमेज। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें से निकलती है हीट। ठीक है, ये मैंने लिया है वेस्ट पॉइंट का ब्लो ड्रायर। इसको मैंने क्यों लिया, इसकी क्या ख़ास बात है? इसके अंदर हैं ये तीन बटन्स, आई मीन ये एक स्लाइडर है और ये बटन है। ठीक है, इस जब आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें से यू नो हीट निकलती है। ठीक है, उससे आपके बाल ऑब्वियसली ब्लो ड्राई, आप ऑब्वियसली हम गर्म हवा से ही करते आए हैं, गर्म हवा हॉट एयर। ठीक है, लेकिन जब आप इसके ये वाले बटन को प्रेस करके रखते हो तो इसमें से निकलती है ठंडी हवा। ठीक है, जो कि आपके बालों को डैमेज नहीं करती। ये इसका हेड मैंने खुद लगाया है, इसके दो हेड्स आते हैं। ये हेड मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इवनली सारे बालों में घुस जाता है, कंघी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस इसको किया और साथ में आपने मतलब कंघी की ज़रूरत नहीं है ना, आपने इसी से ही ब्लो ड्राई कर लिया। ठीक है, स्टाइलिंग भी हो गई, सिद्धे भी हो गए और ब्लो ड्राई भी हो गए। इसके दो हेड्स आते हैं, मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। दूसरा है इसका ये वाला हेड, जो कि आपने देखा होगा नॉर्मली ये तो सभी में ही होता है। सॉरी, जलजला नहीं आया था, खुदा ना खास्ता, ये मेरे हाथ से हिल गया था स्टैंड। इसकी होती है वारंटी 2 ईयर्स की। ओके, वारंटी कार्ड इसके साथ आपको मिलता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका नाम है WF6270। और ये जनाब जो है, ये जनाब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए अपने घर में यूज़ करने के लिए। प्रोफेशनल यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो रेमिंगटन का, सही है, लेकिन अगर आपको घर में यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये है जनाब 1600 वाट्स का। ठीक है, डबल एयर इनलेट। ठीक है, 3-step टेम्परेचर कंट्रोल एंड कोल्ड एयर फ्लो, कंसनट्रेटर एंड डिफ्यूज़र इंक्लूडेड। ये है जी डिफ्यूज़र। ठीक है, ये हवा को इधर उधर डिफ्यूज़ कर देता है, मतलब सारी तरफ से सारे बालों में इक्वली हवा जा रही होती है। फिर है जी कंफर्टेबल स्टोरेज हुक। ये इसके साथ इसका हुक भी दिया हुआ है, इसको फोल्ड करके आप टंग सकते हैं कहीं पर। 1.65 mm पावर कॉर्ड, इसका मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, सॉरी। उसके बाद है जी सॉरी रिमूवेबल इनलेट ग्रिल, ये वाली पीछे वाली इसकी, ये निकल सकती है। ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, यही है जो हमें चाहिए, ओवरहीटिंग से प्रोटेक्शन, सही है। जब आपको ओवरहीटिंग नहीं चाहिए तो आप ठंडी इसमें से एयर वाला बटन दबा दें तो फिर इसमें से निकलेगी ठंडी हवा, बाल तो उससे भी सूख जाएंगे, उससे भी सूख जाएंगे, लेकिन ठंडे से कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, गर्म से जो है वो बाल को डैमेज होता है। ठीक है जनाब, ये है मेरी तरफ से रिकमेंडेड और ये अफोर्डेबल भी है, घर पर यूज़ करने के लिए है, परफेक्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ना भी पसंद आई हो तो दिल पर पत्थर रख के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जनाब, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।